कचौड़ियाँ खाना तो हम सभी को बहुत पसंद है, लेकिन अगर हरे मटर की कचौड़ियाँ खाने को मिल जाए तो उसकी तो बात ही कुछ और है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड रेसिपी। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ ताजे हरे मटर की कचौड़ियाँ। ये बहुत ही टेस्टी होती है। सर्दियों में तो हम इसे बहुत ही बना के खाना पसंद करते हैं, बट इस लॉकडाउन के सीजन में भी आप बना के इसे खाइए घर पे। अगर आप इंटरेस्टेड है कि ये मटर की कचौड़ी कैसे बनाना है, तो चलिए किचन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है। सो फ्रेश हरे मटर की कचौड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1/2 kg फ्रेश ग्रीन पीस। इसके दाने मैं ऐसे निकाल लूंगी। अगर आप कप से नापेंगे तो ये 1.5 cup मटर है। आप चाहे तो फ्रोजन पीस का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने गैस ऑन करके एक पैन लिया है। पैन में मैंने 1 tablespoon कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद मैं 1/2 teaspoon जीरा ऐड करूंगी। देन इसके बाद मैंने थोड़ा सा हींग भी ऐड कर दिया है। थोड़ी देर हम इसे पका लेंगे। इसके बाद मैंने लिया है 2 green chili, 3-4 lehsun की कलियां कटी हुई, जिंजर लिया है थोड़ा सा मैंने, और एक अनियन को भी मैंने काट लिया है। तो ये सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली। लहसुन और अदरक को भी मैं साथ में ही डाल दूंगी। थोड़ी देर हम इसे पका लेंगे, कच्चा फ्लेवर चला जाए तब तक हम इसे थोड़ी देर पका लेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे अनियंस। अनियंस को भी मैंने ऐसे रफली कट कर लिया है क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो इसके बाद मैंने ऐड किया है ग्रीन पीस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कप से ये 1.5 cup है। इसे मैं तब तक पका लूंगी जब तक मटर के दाने गल नहीं जाते। इसके बाद मैं कुछ मैं मसाले भी ऐड कर देती हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले ले रही हूँ 1/2 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon सब्जी मसाला जिसमें धनिया जीरा पाउडर मिक्स है, रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 1/2 teaspoon, नमक यूज कर रही हूँ 1 teaspoon और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। एंड पहले मैं इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, हमारे मसाले जले नहीं। और इसके बाद मैंने ऐड कर लिया है 1/2 teaspoon अजवाइन, एंड साथ ही साथ मैंने गरम मसाला भी यहीं पे ऐड कर लिया है 1/2 teaspoon। तो मैंने इसे ऐड करके सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला दिया है। एंड देन मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे लो फ्लेम पर पकने दूंगी। सो यहाँ आप देख सकते हैं ढक्कन हटाया मैंने, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं एक मटर का दाना दिखाती हूँ। यहाँ अच्छी तरह से कुक हो गया है, पक गया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो यहाँ आप देखिए गैस को स्विच ऑफ कर दिया है मैंने। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं डो की तरफ। कचौरी की डो बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 cup मैदा। कि आप चाहे तो आटा का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ मैदा से बना रही हूँ। 1/2 चम्मच नमक का यूज किया है मैंने, और तेल इसमें जाएगा 1/2 tablespoon के करीब, ताकि हमारी कचौरियाँ जो है वो क्रिस्पी बने, खस्ता बने। सो सबसे पहले ऑयल को हम इस तरह हाथों से मिक्स करते हुए आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसको एक नरम आटा गूंथ लूंगी। पानी हमारा रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए ना, ठंडा ना गर्म। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे गूंथ लेंगे। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करके मैं एक बार और इसे गूंथ लूंगी। के बाद यहाँ पे जब हमारा आटा रेडी हो जाए तो इसे कवर करके हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। सो यहाँ पे आप देखिए मटर ठंडा हो गया है, तो हम इसे मिक्सी जार में निकाल लेंगे। तो एक यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, और इसके बाद मैं इसका दरदरा पेस्ट बना लूंगी। सो यहाँ आप देख सकते हैं आटा को रेस्ट करते हुए यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। सो एक बार मैं फिर अपनी हथेलियों के पिछले हिस्से से एक दो बार पंच कर दूंगी। आप देखिए आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। कचौरियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। मटर जो स्टफिंग है मटर की, वो मैंने पीस के रख लिया, मैंने दरदरा पीस के रखा है। एंड हाथों में तेल लगा लिया है मैंने क्लीन हैंड से। सबसे पहले मैं एक आटे का लोई लूंगी और इसे राउंड करके, देन 2-3 लोइयां एक साथ बना के रख लूंगी। मैं एक डो बॉल लिया है मैंने, एंड उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। मैं यहाँ पे ऑयल से बना रही हूँ, आप चाहे तो आटे का भी यूज कर सकते हैं। सो इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज का बना दिया है रोटी के जैसा। एंड देन इसके बाद जो स्टफिंग है उसे मैंने राउंड राउंड करके एक बॉल का शेप दे दिया है। इसे जैसे हम प्लेट्स बनाते रहेंगे, और लास्ट में हम एक पोटली की तरह बना लेंगे। एंड देन जो भी एक्सेस आटा है उसे निकाल देंगे और अच्छी तरह से ट्विस्ट करके उसके किनारे सील कर देंगे, ताकि ये फ्राई करते समय खुले नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं
ऑलरेडी मैंने दो बना लिया है, तीसरा मैं अगेन आपको दिखा रही हूँ आपको किस तरह से बनाना है। आई थिंक यहाँ पे ज्यादा क्लियर है, आप देख सकते हैं। सो जो भी एक्सेस आटा है आप उसे निकाल दें, एंड देन इसके बाद हथेलियों से ही हल्के हाथों से प्रेस करें ताकि हमारा जो स्टफिंग है वो इवेनली स्प्रेड हो जाए। सो यहाँ आप देख सकते हैं ना मोटा रखना है और ना ही पतला। सो इस तरह से मैंने सारे ही बना लिए हैं, अब हम चलते हैं फ्राई करने के लिए। सो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को ऑलरेडी गर्म करके रखा है। सबसे पहले मैं एक कचौरी डाल के देखती हूँ। सो यहाँ पे तेल का टेम्परेचर अच्छा गर्म लग रहा है तो मैं एक साइड में करके देन दूसरा भी ऐड कर दूंगी। सो यहाँ पे कढ़ाई छोटी है मेरी, सो दो या तीन उससे ज्यादा नहीं मैं फ्राई कर सकती। आप अगर आप बड़ी कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं तो चार पांच एक साथ कर सकते हैं। आपको इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है क्योंकि अंदर हमारी स्टफिंग है बट जो मैदा है उसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि हमारी मटर की जो कचौड़ी है वो क्रिस्पी बने। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ, ये रही हमारी फर्स्ट मटर की कचौड़ी। कितना ब्यूटीफुल सा कलर आया है और ये बहुत ही फूली फूली सी है, कितनी टेम्पटिंग लग रही है यहाँ पे। सो इसके साथ ही मैं सेकेंड बैच भी फ्राई कर लूंगी। सो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी दो यहाँ पे डाले हैं और हम इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे जैसा मैंने पहले ही बताया, और इसे उलट पलट के मैं करीब 3-4 मिनट में ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं, नेक्स्ट वन भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितने फूले हुए हैं ये कचौड़ियाँ, आप देख सकते हैं, लुक एट दैट। एंड नेक्स्ट वन को भी मैं निकाल लेती हूँ। सो ये अच्छी तरह से पक गए हैं, दिस इज द लास्ट वन। इसके बाद मैं नेक्स्ट ऐसे ही फ्राई कर लूंगी। यहाँ रेडी है हमारी कचौरियाँ, फ्राई हो गई हैं। कचौरियाँ अच्छी तरह से फुली फुली दिख रही हैं, या मैं आपको दूसरी भी दिखा देती हूँ। सो ये मटर की कचौरियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। सो मैं यहाँ पे आपको एक कचौरी तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर हमारे मटर अच्छे से कुक हुए हैं नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मटर की लेयरिंग अच्छी है, स्टफिंग अंदर तक पूरा इवेनली स्प्रेड हुआ है, ये अच्छी तरह से फुले हुए हैं और काफी क्रिस्पी भी हैं। सो इस तरह से बना लिए हैं हमने मटर की कचौड़ियाँ। अगर आप कचौड़ियाँ खाने के फैन हैं तो आई एम श्योर आपको हरे मटर की कचौड़ियाँ जरूर ही पसंद आएंगी। सो आई होप आपको ये मटर की कचौड़ी की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन Take care. Bye.